हेलो फ्रेंड्स, माया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे। आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी का पोशाक बनाना सिखाऊंगी। इसको गांठी वर्क भी कहते हैं और सादा वर्क भी कहते हैं। ये मैंने पूरा वर्क कर दिया है। ये मैंने वर्क कैसे बनाया है वो आज मैं आपको दिखाऊँगी। पहले हमें इस डिज़ाइन का ड्राइंग करना है, पूरा सर्कल बनाना है। तो ये कैसे मैंने बनाया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे लड्डू गोपाल जी 4 नंबर के हैं तो मैं 3 नंबर का साइज़ का बनाती हूँ, तो इन्हीं के हिसाब से मैं राउंड शेप दूंगी। पहले हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे राउंड शेप बना लिया है इस तरह से। बाद में हम छोटा राउंड करेंगे, इस तरह से हम दूसरा राउंड करेंगे। पहले हमें सब राउंड बना देना है, बाद में हम अंदर ड्राइंग करेंगे। देखो, मैंने ड्राइंग कर लिया है, पूरे ड्रेस का बना दिया है। अब हम कपड़े पर करेंगे। जिन पर हमें बनाना है उसको अच्छी तरह से ऐसे कपड़े को रख दीजिए, बाद में इसको रखिए, बाद में इसको रखिए। अब इन्हीं के ऊपर हमें ड्रॉ करना है, बस ऐसे। आप घर पर ही ऐसे आसानी से बना सकते हो। तो इस तरह से ड्रॉ करके पूरा बना देना है। मेरा ड्राइंग अच्छा है तो मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ इस तरह से। तो आपका भी ड्राइंग अच्छा हो तो आप अपने हाथों से बना सकते हैं ऐसे ड्राइंग। बस ऐसे ही बनाना है। पर ये इस तरह से बनाना है, इसको जॉइंट कर देना है और यहाँ पे ऐसे कली बना देनी। तो ये पूरा ड्रेस बन गया है। अब हम वर्क करेंगे। अब ये सादा वर्क हम कैसे बनाएंगे वो हम बनाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे सुई डाल दिया है। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बनता है। आप देखिए, मैं यहाँ पे बना रही हूँ। बस सुई ऐसे डालिए, धागा नीचे रखना है और इस तरह से हमें बनाते जाना है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का ये ट्रेडिशनल ड्रेस अच्छा बन जाएगा। बस इस तरह से बनाना है हमें। अब हम डोरी बनाएंगे। देखिए, सुई ऐसे डालनी है और ये धागा है ये हमें इस तरह से रखना है और बनाते जाना है। बीच में सुई रखनी है, धागा ऊपर रखना है। ये सब मैंने ऊन से भरा है, आप एंकर आटी से भी भर सकते हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है। आप भी ऐसा बनाइए अपने लड्डू गोपाल जी का पोशाक। सारी डोरी मैंने ऐसे ही निकाली है, आप भी ऐसे ही निकालिए। यहाँ पे मैंने पतली डोरी निकाली है तो मैंने एक ही धागा रखा है, एक धागा कट कर दिया है। ये डोरी को हमें इस तरह से बनानी है, जैसे सुई निकालना है, पतली बनानी है। ये लंबी लाइन ऐसे करना है और बीच में सुई निकालनी है हमें। बस ऐसे ही बनाना है।
मोती दाना बनाना है। देखिए ये मैंने पूरा इसी हिसाब से ही बनाया है, नीचे भी बनाया है, यहाँ पे भी बनाया है। अब हम ये भरेंगे दो पान, जैसे मैंने यहाँ पे भरा है वैसे ही यहाँ पे भरना है। अब इस तरह से मैंने ये सब भरा है, ये भरा उसी के हिसाब से ये सब भरा है। अब हम इसका वर्क करेंगे इस तरह से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये मैंने पूरा वर्क बना दिया है। अब हम इसको नीचे चिपका देंगे कैनवास को इस तरह से, प्रेस की मदद से हमें इसको चिपका देना है। देखिए पूरा चिपका दिया है, कितना सुंदर लग रहा है, आप भी ऐसा बनाइए। अब हम कमर काटेंगे यहाँ से इस तरह से, कैंची के मदद से हमें काट लेना है। ये मैं राउंड से पूरा नहीं काटती हूँ, आधा ही काटूंगी, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी के पैर इसमें आ जाते हैं। चोली मैंने पहले से ही बना कर रखी है, तो अब मैं पहना कर दिखाऊंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप भी इस तरह से ट्रेडिशनल ड्रेस बनाइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।